हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। सो हमने पिछले लेक्चर में किया था हमारा चैप्टर नंबर 7 मैथ्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टार्ट किया था। तो आज हम करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद में एक्सरसाइज, ठीक है। तो 7.1 तक हमने कर लिया था। अब बात करते हैं जनरल ऑपरेशन की फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन बोला जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सबको बोला जाता है। और जिसके अंदर हम अभी ऑपरेशन करने वाले हैं वो हम करने वाले सिर्फ प्लस और माइनस के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, बट आगे ऑपरेशंस मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी होते हैं, ठीक है। सो आज हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ हम प्लस और माइनस के बारे में ही ऑपरेशंस करने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी अगर आपको पॉलीनोमियल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y, एक तो ये दे रखा आपको, और क्या दे रखा आपको, एक सेकेंड पॉलीनोमियल जो दे रखा वो है 2x माइनस वाई, राइट। और आपको बोला है कि इसको प्लस और ऐड दोनों ऑपरेशन करके दिखाने हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे प्लस के ऑपरेशन की, कि इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो होता है वो है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास में कॉलम मेथड। कॉलम मेथड होता है जिसके अंदर कॉलम्स बना के सॉल्व किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल मेथड होता है जिनको हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बोलें कि इनको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से लाइन में, जैसे कॉपी पे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 2x माइनस वाई। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लाइक टर्म्स हम एक तरफ करके ऐड कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 3x प्लस 2x प्लस 2y माइनस वाई, तो इन दोनों का हमारे पास में क्या आ गया, 5x प्लस वाई। तो ये हमारे पास में इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कॉलम मेथड से क्या किया जाता है कि यहाँ पे सीधा कॉलम वाइज उसको लिख लिया जाता है, यानी कि 3x प्लस 2y, और नीचे कॉलम में उसके लिख लिया जाता है 2x माइनस वाई, यानी जो लाइक टर्म्स है वो एक उसके नीचे लाइक टर्म्स को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 3x के सामने 2x जो है वो लाइक है, तो उसके बिलो लिख दिया गया, और 2y को उसके बिलो लिख दिया गया। तो अब देखिए क्या आएगा हमारे पास में जब ऐड करेंगे, तो 2y माइनस वाई क्या देगा हमें, y, और उसके बाद में नीचे क्या आएगा, 3x प्लस 2x यानी कि 5x। सो दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड से। अगर हमने बात की थी प्लस मेथड, अगर हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड देखते हैं। सो 3x प्लस 2y माइनस 2x माइनस वाई। तो आप सभी को पता होगा कि जब ये साइन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में क्या रूल बनेगी, माइनस 2x और प्लस का वाई, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है एक रूल होते हैं कि माइनस इंटू माइनस होता है वो क्या बनाता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या बनाता है, माइनस इंटू प्लस बनाता है हमेशा माइनस, और जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारे पास में प्लस। तो हमारे पास में माइनस और माइनस, देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसने क्या बना दिया हमारे पास, प्लस बना दिया। तो हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस y, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म्स एक साथ, अनलाइक टर्म्स एक साथ, सो 3x माइनस 2x प्लस 2y प्लस y। तो ये आपके पास में आंसर क्या आ गया, 3 माइनस 2 यानी कि 1x, और यू कैन से सिंपली x भी लिख सकते हो, सो x प्लस 3y। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब बात करते हैं कॉलम मेथड से, कि कॉलम मेथड से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कॉलम मेथड से जो सॉल्व करना है वो वैसे ही लिखा वैसे ही जाता है, बल्कि सिर्फ साइन का चेंज होता है, कि जैसे आपने लिखना उसको ऐसे ही लाइक टर्म्स के साथ में लाइक टर्म्स, ठीक है, और अनलाइक टर्म्स के साथ में अनलाइक टर्म्स, और उसके बाद में हमने क्या करना है, सीधा साइंस को चेंज कर देना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अब देखिए प्लस प्लस 3y हो गया ये हमारे पास, और 3 माइनस 2 क्या हो गया, x, ओनली x बच गया, x प्लस 3y। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा, और हमें सेम से ही सेम सेम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में थे कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड
जो हमें ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है आपका कि ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस सिक्स ए बी, क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस सिक्स ए बी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है हमारे पास में, सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, एंड थर्ड जो हमारे पास में वो क्या हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस सिक्स एंड ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द सम दिस दिस एंड दिस सब्सट्रैक्ट, आपको एक पॉलिनोमियल दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है इनका सम करना है, उसके बाद आपको एक माइनस करना है जो पॉलिनोमियल वो है आपके पास माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए। तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सो हम दो दो करके सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और कॉलम मेथड से करना चाहते हैं तो कॉलम मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली भी कर सकते हैं। सो कॉलम मेथड से ईजी रहेगा आप सभी को। सो ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस सिक्स ए बी, और इसके लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखेंगे प्लस टू ए बी। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड का साइन है, तो देखिए माइनस सिक्स प्लस टू तो कितना बच गया, अगर माइनस सिक्स का लॉस है उसमें दो का प्रॉफिट होगा तो फोर का लॉस बच गया हमारे पास में, हमारे पास में क्या है माइनस फोर ए बी। यहाँ पे देखिए फोर माइनस बी यानी कि फोर माइनस वन वो हमारे पास में क्या बच गया थ्री बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या हो गया हमारे पास में टू ए स्क्वेयर। तो इसका हमारे पास में रिजल्ट आ गया टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री बी स्क्वेयर माइनस फोर ए बी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, अब लिख लेते हैं टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री बी स्क्वेयर माइनस फोर ए बी, और नीचे हम क्या लिखेंगे लाइक टर्म्स के साथ में, इन दोनों को भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया आपको बी स्क्वेयर प्लस सिक्स एंड ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी, पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वो क्या आपके पास में बी स्क्वेयर प्लस सिक्स और ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी, ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी। तो देखिए हमने इसके नीचे वाली जो जगह है उसको खाली छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारे पास में कोई भी टर्म क्या नहीं है लाइक नहीं है, इन दोनों का सब ऐड करेंगे तो सिक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए बी ए स्क्वेयर। सो ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल आ गया, क्या है हमारे पास में ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस सिक्स। तो हम क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल्स आ चुके हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इन दोनों। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री बी स्क्वेयर माइनस फोर ए बी अपॉन में क्या लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए बी। आगे क्या आपके पास में देखिए माइनस फोर ए बी के बाद में आपके पास बचता है सिक्स, तो आप इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सो सिक्स फोर एंड फोर क्या हो गया माइनस का एट ए बी, और यहाँ पे क्या आपके पास फोर बी स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है थ्री ए स्क्वेयर, टोटल आपके पास में आ गया थ्री ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस एट ए बी प्लस सिक्स। तो इन सभी को इरेज करके, ऊपर वालों को इरेज करके मैं क्या लिखूंगा, सीधा ये वाला पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ थ्री ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस एट ए बी प्लस सिक्स। तो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब इसके साथ में आपको क्या करना है, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसके नीचे लिख लेते लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए, ये दिया गया आपको प्लस ए, और जो ये क्या है हमारे पास सिक्स जो है लाइक टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा दूर करके लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने कॉलम में लिख लिया
एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, पर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गया, सिक्स एज इट इज आएगा, फिर क्या आएगा माइनस का एट, उसके बाद में क्या आ गया आपके पास में एट प्लस वन, कितना हुआ माइनस एट प्लस वन हो गया माइनस का सेवन ए बी। इसका आपका सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा थ्री बी स्क्वायर, और इधर आपके पास में एडिशन करने के बाद क्या आएगा फाइव ए स्क्वायर। आपका आंसर है फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस सेवन ए बी माइनस एट प्लस सिक्स। तो ये सब आपके पास सॉल्व करने के बाद आया, ये आप अपनी बुक्स में से भी क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़े सा दिमाग आपका यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स एंड द सिंबल्स। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं कि कोई भी हमारे पास में कोई भी डिजिट दे दिया, जैसे कि माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस सेवन एक्स, ठीक है। यह मान लीजिए आपको दे दिया जाए तो हम क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई, पहले आप साइन को साइन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन है बार माइनस का, तो अंदर क्या हो जाएंगे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस थ्री वाई माइनस सेवन एक्स। तो जब आप इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो उसके बाद आपके पास में क्या आएगा, जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ कर लीजिए और अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। सो माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस टू वाई एंड माइनस थ्री वाई, ये ग्रुपिंग अलग अलग होगी। अब इसको आप कॉलम मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर आपको सॉल्व करने के लिए और बहुत कुछ दे रखा जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जस्ट